तक हमें निगोशिएट करना होगा। अरुण अरुण वेट अरुण अरुण, व्हाट डस चेन ऑफ कमांड्स कुछ होते हैं कि नहीं? वैसे भी गलतियां होते रहती सेनोरिटा। टी होते हैं और सिर्फ पाचा। तीन टेररिस्ट के नाम दिए थे, उनके बारे में कुछ पता चला? ट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मच अवेटेड फिल्म योद्धा सिनेमा घरों में 15 मार्च को दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का जबरदस्त एक्शन लुक देखने को मिला है। योद्धा में दिशा पटानी और राशि खन्ना भी लीड रोल में है। बॉक्स ऑफिस पर योद्धा के साथ अदा शर्मा की फिल्म बस्तर भी रिलीज हुई है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत की है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने ओपनिंग डे यानी फिल्म योद्धा ने पहले दिन भारत में 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म अच्छा कलेक्शन कर सकती है। ऐसे में ये फिल्म वीकेंड में और बेहतर कमाई कर सकती है। फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है। फिल्म योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटानी और राशि खन्ना भी लीड रोल में दिखे हैं। ये हाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो योद्धा टास्क फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को एक बचाव अभियान पर बेस्ड है। बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा के साथ साथ 15 मार्च को सिनेमाघरों में अदा शर्मा की फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी भी रिलीज हुई है। इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत की है। इस फिल्म ने पहले दिन भारत में 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन योद्धा ने 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म योद्धा का निर्माण हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्व मेहता और शशांक केदार ने किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को सागर अमरे ने लिखा है और उन्होंने ही पुष्कर ओझा के साथ मिलकर डायरेक्ट किया है। बता दें कि साल 2022 में रिलीज हुई थैंक गॉड के 1.5 साल बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा निर्माता करण जौहर की फिल्म योद्धा में बड़े पर्दे पर वापसी आए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपको जल्द किसी और नेक्स्ट वीडियो में।